रुको रुको दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बहुत जानदार शानदार डॉग। ये है बीस्ट, 118 किलो का। भैया का दावा है पूरा 118 किलो का है। अब कई लोग बोलेंगे भैया इसको तोल के बताओ, भैया आप चार पांच बंदे लगेंगे इसको उठाने के लिए। और ये देख लो इसका साइज, मज़ा आ गया इस डॉग को देख के। और ये हार्ली क्वीन है भैया का, जो है भैया कॉम्बी टूर से। और ये देख लीजिए आपको क्वालिटी कैसी लग रही है, प्लीज़ शेयर भी करना और कमेंट भी करना। इसके बारे में सारा कुछ पूछेंगे भैया के, भैया को कि क्या ये खाता है, क्या ये करता है पूरे दिन। और अगर आपने ये डॉग घर में रखा हुआ है तो भाई साहब पूरे पूरे शहर में आपके पास लोग देखने जरूर आएंगे आपका डॉग। ये है बीस्ट, जैसे रेसलिंग में खली मशहूर है वैसे ये भाई डॉग मशहूर है अपने एरिया। हेलो भैया, क्या हाल है आपका? ये तो ग्रेट डेन है और कंप्लीट का नाम हार्ली क्वीन है। और ये तो चैंपियन है, इंडियन चैंपियन है। और इसका बच्चा भी बहुत अच्छा निकल रहा है, प्रोड्यूसिंग बहुत अच्छा है इसमें। तो भैया कितने साल का ये? ये तो 4 साल का है। ये 4 साल का है? 4 साल। और भैया देख लो, ये देख लो, वो भी बैठा हुआ है और भैया भी बैठे हुए हैं। भैया की हाइट है 5 फुट 10 इंच और देख लो भाई तब भी ऊंचा है। तो भैया ये खाता क्या है पूरा दिन में? हम तो इसको रॉ फीडिंग कर रहे हैं बार्फ का, वो तो मैं ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, वो तो रॉ मीट का ब्लेंड है। तो अगर इसको चिकन चावल से पालना हो तो पल जाएगा ये? हाँ जरूर। तो इसके बच्चे भी ऐसे आते हैं लंबे चौड़े? जरूर आ जाएगा। तो ये आउट ऑफ स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड में आता है? स्टैंडर्ड का साइज से आती है, इंडियन चैंपियन है वो। इंडियन चैंपियन ऑलरेडी है? हाँ। तो भैया मतलब इसको क्या कह सकते हैं, इसका वेट 118 किलो आपने क्लेम किया है। हाँ। तो क्या सच में इतना है या वैसे ही बोल दिया? सच में इतना ही है। अच्छा, कभी वेट किया है शो से पहले इसको? हाँ। अच्छा, तो अभी भी वेट किया है। उसके बारे में हमारा रोज एवरी मंथ हम तो ठीक मेडिकल चेकअप कर रहे हैं ना, इसमें वेट भी चेक करेंगे हम, उसका ब्लड टेस्ट एवरीथिंग चेक करेंगे। तो भैया इसको कोई मेडिकल इशू आता है? ठीक से पालेंगे तो कुछ मेडिकल इशू नहीं आता है इसको, क्यों? लेकिन ग्रेट डेन एक ह्यूज ब्रीड है ना, इसीलिए कैल्शियम और सप्लीमेंट्स का सपोर्ट करना है उसको। अच्छा, तो कैल्शियम कहाँ से आप इसको सप्लाई करते हो? नो, हम तो रॉ फीडिंग कर रहे हैं, उसमें भी कैल्शियम है, चिकन फीट और नेक इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसीलिए कैल्शियम उसमें भी चल जाएगा। तो इसकी डेली रूटीन क्या है भैया? डेली रूटीन आपका खाने में बात कर रहे हैं आप? नहीं, एक्सरसाइज क्या करता है, खाता कितने टाइम है? प्ले एरिया में छोड़ना है उसको, वही कॉफ़ी है। ग्रेटेंस के लिए हार्ड वर्किंग और ए बी वर्किंग ग्रुप का डॉग है, लेकिन डॉबरमैन और बॉक्सर के तरह वर्किंग और रनिंग इसको नहीं चाहिए। अच्छा, हैवी ब्रीड का है इसीलिए जॉइंट थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, इसीलिए प्ले एरिया चाहिए उसको, फ्री में घूमना चाहिए उसको, वही काफ़ी है। तो एक्सरसाइज वगैरह क्या कराते हैं इसको? इसको हम प्ले एरिया हमारे कैनल में उसमें छोड़ देंगे हम, या तो बाकी कुत्ते का इसका बच्चा के साथ खेलेगा वो, वही तो काफ़ी है उसको। और भैया हार्ली क्वीन वैसे आया कहाँ से है ये कलर? हार्ली क्वीन एक्चुअली ग्रेट डेन तो जर्मन का ब्रीड है। हार्ली क्वींस तो उसमें स्पेसिफिक कलर है, क्योंकि हार्ली क्वींस बहुत रेयर है और भी इस स्टैंडर्ड्स का हार्ली क्वीन यहाँ बहुत कम है। हार्ली क्वींस बोलेंगे तो उसका हाइंड क्वार्टर्स में इतना फॉर्म नहीं होगा पहले हार्ली क्वीन। अभी हम यहाँ ये ब्लड लाइन्स है ना, उसमें हाइंड क्वार्टर्स भी बहुत स्ट्रांग होगा, किसी फॉन और ब्रंडल के तरह हाइंड क्वार्टर्स, फ्रंट एंगुलेशंस, हेड मसल, एवरीथिंग इसमें परफेक्ट होगा। तो भैया ये ब्रीडिंग किसकी है वैसे? ये तो संजय मेरा फ्रेंड है, उसका ब्रीडिंग है, या मेरे पास मेरा ओन ब्रीडिंग का पपीस भी है। तो इसके मदर फादर भी ऐसे थे लंबे चौड़े? हाँ। अच्छा, तो इसके बारे में फादर तो डायरेक्ट इम्पोर्ट है। डायरेक्ट इम्पोर्ट है। और भैया इसकी खासियत आप जो बताना चाहते हो ब्रीड का बारे में? ब्रीड के बारे में हार्ली क्वींस तो ग्रेट डेन तो काफ़ी में जेंटल ब्रीड है, तो बच्चे के पास बहुत जेंटल होगा। छोटा बच्चा हमारा घर में है ना, वो भी कुछ अटैक नहीं करेगा, ज़ोर से नहीं खेलेगा, बहुत जेंटल ब्रीड है वो। क्या साइज़ भी जाइंट साइज़ है और कोई भी देख लेगा ना वो तो हमको अच्छा लगेगा, इतना बड़ा कुत्ता हमारा घर पे है ना, वो तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत पेट और फ्रेंडली ब्रीड है वो, बहुत जेंटल ब्रीड है वो। तो इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है वैसे ग्रेट डेन का? एवरेज इसका 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स रहता है। और लीटर साइज़ क्या होता है? लीटर साइज़ कम से कम 8 to 10 पपीज होगा लीटर साइज़ में। और भैया इसको जब मेटिंग करवाते हो आप, जैसे फॉन कलर के साथ मेटिंग करवा दिया, तो चांसेस होते हैं हार्ली क्वीन बच्चे के या करवाते ही? फॉन में करने में बहुत अच्छा हार्ली क्वींस मिलेगा फॉन्स की स्टैंडर्ड के साथ, लेकिन एक बार आपको ख्याल रखना है, क्योंकि फॉन्स आप मेट कर रहे हैं ना उसके पीछे कुछ हार्ली क्वींस नहीं होना है,
और ये हार्लिक में इनब्रीड करना है उसके पीछे कुछ फॉन लाइंस नहीं होना है, मतलब प्योर प्योर लाइंस का ब्रीडिंग क्रॉस कर सकते हो। अगर मैं एक लाइन में पूछूं कि हार्ली क्वीन और ग्रेडन में क्या डिफरेंस आता है, क्या बताओगे इसके बारे में? कोई डिफरेंस नहीं है, हार्ली क्वीन और नॉर्मल फॉन और ग्रेडेंट्स में कोई फिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ कलर का डिफरेंस है। एक और बार बताना है तो हार्ली क्वींस वैल्यू में थोड़ा ज़्यादा हुआ, फैंसी ब्रीड है वो, बहुत रेयर है ब्रीड करने में, इसके लिए उसका प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा लगेगा फॉन के कंपेयर करने में। तो अगर नॉर्मल फीड मैंने देनी हो इसको तो कितने, एक किलो फीड बहुत है एक टाइम पर? हाँ, या कम चाहिए? पप्पी में एक किलो कर सकते हैं हम, पप्पी में एक किलो 3 मंथ से 1 ईयर तक एक किलो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वेट एवरेज वेट है ना, उसके कैलकुलेट करने में आपको फीडिंग इंक्रीज करना है। तो ये कितनी खाता है? ये अभी 3 किलो खाता है डेली। 3 किलो फीड मतलब डेली खानी है, 1.5 इन द मॉर्निंग 1.5 इन द शाम तक। मतलब एवरेज 1000 रुपये किलो की फीड लगाएं तो 3000 की फीड खाएगा डेली ये? हाँ, मतलब इसको 1 लाख रुपये महीना चाहिए चाहिए अगर आप फीडिंग में खिलवा रहे हो। वो भी हमारा मर्जी है, वो आप कर्ड रेस में भी इसको पाल कर सकता है, कोई फिक्र नहीं लगेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड प्रोटीन देना है उसको। एग्स में अच्छा प्रोटीन है, लीवर चिकन लीवर में प्रोटीन है, सोया में प्रोटीन है, कर्ड में प्रोटीन है। आपको एक बात ध्यान में रखना है, सफिशिएंट प्रोटीन देना है उसे। अच्छा, वही बात है। तो इसका नाम क्या भैया? इस फेलो का नाम प्रिंस है। प्रिंस? हाँ भाई, प्रिंस को अगर आपने घर में रखना है तो भाई साहब 3000 रुपये किलो अगर फीड का खर्चा है तो भी लेकर जाइए, नहीं तो आपके घर में अपार्टमेंट में तो मैं बिल्कुल कहता नहीं कि इसको रखिए। और आपके पास अगर खुली जगह है, अगर आप बहुत बड़े डॉग प्रेमी हो, अगर इसको पाल सकते हो, और ये वो काम नहीं है कि आपने 2-3 कुत्ते रख लिए, एक डॉग रख लो, मैं कहता हूँ पूरे दिन आपका शहर में कोई ना कोई आपको देखने जरूर आएगा। भैया इसको आस पड़ोस के लोग देखने आते हैं आपके पास? हाँ, ये तो बड़ा फैन सर्किल है इसके यहाँ, मतलब साउथ इंडिया में काफी मशहूर है ये। हाँ। और देख लीजिए दोस्तों, प्रिंस आपको कैसा लगा? ये वीडियो थी प्रिंस के बारे में। भैया का नेक्स्ट वीडियो में पूरा कैनल दिखाऊंगा आपको। तो थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।